की बात कर रहे हैं यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग सभी अच्छे हैं। और ये है डे टू हमारे वैकेशन का। और अभी मैंने आपको दिखाया हमारे बेड से हमारे रूम का व्यू, मस्त व्यू है। और आज सुबह सुबह क्या हुआ, मैं थोड़ा सा लेट उठी। सुबह क्या हुआ, 6 बजे मेरी नींद खुल गई। अब मुझको नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने कहा यार सो जाती हूँ, नहीं तो फिर पूरे दिन नींद आएगी। तो 6 से 9 बज गए मुझे सोते सोते। फिर 9 बजे के बाद मैं अभी जागी हूँ 10:30 बजे, फिर से लेट गई मैं। इन लोगों को थोड़ा सा जाना है। कोई राइफल शूटिंग भी है? राइफल शूटिंग नहीं है, आर्चरी शूटिंग है। राइफल शूटिंग है, आर्चरी दोनों से एक चीज कह सकते हैं। हाँ आर्चरी है, राइफल नहीं है। राइफल भी है भाई। चलो ठीक है, तुम्हें जो करना हो कर ले। मस्त लग रहा है, सुबह 6 बजे उठी थी तो बाहर तो इतना अच्छा लग रहा था। करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज हम लोग सिर्फ रिसॉर्ट का टूर करने की सोच रहे हैं, यहीं पे मस्ती करेंगे फुल। आज हम सफारी फारी नहीं ले रहे, ये लोग सफारी बुक करने जा रहे हैं। क्योंकि देखते हैं, एक सोच रहे हैं एक मॉर्निंग की लें, एक इवनिंग की लें, क्योंकि ये जो मौसम है इस हिसाब से टाइगर्स ज्यादातर शायद मॉर्निंग में ही दिखें, बाकी कुछ कह नहीं सकते। इट्स बाय लक, क्योंकि मैं लास्ट टाइम रणथंबोर गई थी तब हमने 2 सफारी ली थी, एक भी टाइगर नहीं दिखा। पर मेरी इन पैनी निगाहों ने चश्मे वाली, तब मैं बिना चश्मे में पहने थी, मैंने दूर बैठा हुआ भालू देखा था। पूरे कैंटर में किसी ने नहीं देख पाया था, वो सिर्फ मैंने देखा था। अच्छा, फिर जब वो जो ड्राइवर और गाइड होते हैं उन्होंने उसे बायनोक्यूलर से देखा तो वाकई में भालू था। तो चलो देखते हैं, आज तो कहीं नहीं जाएंगे, आज तो पूरा दिन रिजॉर्ट में एंजॉय करेंगे। नाश्ता वाश्ता देख जो भी कुछ होगा, कहाँ करते हैं क्या, अभी कुछ सोचा नहीं है। उठे हैं, उनको मेंबरशिप टीम ने बुलाया है, वही नया अभी उनको पता नहीं ना, हमने मेंबरशिप ले रखी है। चलो फिर करते दिन की शुरुआत। बच्चे अभी सो रहे हैं। ये बच्चा देखो जाग गया, ये देखो बच्चा, अरे स्टैचू बन के लेता है। गुल्ला 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 गुल्ला। और ये देखो अभी छोले गुई। चलो फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। दीदी हो तुम? दीदी हो तुम? ये कटलरी वॉश कौन करेगा? और ये हमारे रूम से बाहर का व्यू, क्या व्यू है यार। मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं कान्हा की सफारी बुक करने, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है। थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बनाने के लिए, नहीं तो सफारी तो ये क्लब महिंद्रा में भी है अवेलेबल, तो चल के देखते हैं एक बार। फिर क्लब महिंद्रा बात करेंगे, जो भी बेस्ट रहेगा वहाँ पर बुक कर लेंगे। एक बार तो कैंटर पे जाना है, मुझे कैंटर बहुत पसंद है एक्चुअली, तो एक बार कैंटर पे जाना है, फिर देखते हैं बुकिंग ऑफिस चल के। बाकी जंगल में जानवर दिखे हैं सुबह सुबह, पर ये समझ में घर क्यों है, जंगल में नहीं होने चाहिए, जंगल में जंगल होना चाहिए बस। शायद हम पहुंच गए। बुकिंग ऑफिस कहाँ है? बुकिंग ऑफिस थोड़ा आगे है ठीक है, बट अभी नहीं खुलेगा। फिर खुलेगा 3 बजे। 3 बजे तो कोई और बुकिंग करने का तरीका नहीं? वही, वो जब गेट ओपन होगा तभी, अभी तो गाड़ियाँ वापस हो रही है। ओके, गेट ओपन होगा वो 2:30 बजे। मुझे कैंटर बुक करनी हो जाएगी? हाँ।
पकड़ ले पकड़ ले चल। हाँ पकड़ो 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 पकड़ो। ये बच्चे भी हैं, पैर मत रख देना। छोटे छोटे बच्चे है, पूरा 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 पूरा। अरे वाह। हाँ वो दूर जाएगी। कैसी बात कर रहे हो यार। कैसी बात कर रहे हो यार। अभी देखा आपने क्या हुआ। आ जा। सुना बहुत सारे यहाँ पे। तो बस अब हम लोग कुछ कुछ तो भी कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। एक बज गया है, अब अपने रूम पे जा रहे हैं। अभी बहुत गर्म है, स्लाइड शाम को करेंगे। हाँ तो एक्चुअली हम लोग कहाँ गए थे, पहले तो वो मेंबरशिप वालों ने थोड़ा सा बताया, तो फिर हमने उनको बताया जो भी कुछ था। उसके बाद हम गए थे सफारी के लिए मालूम करने। सफारी फुल चल रही है, फुल। तो बड़ी मुश्किल से फ़िलहाल आज के लिए एक सफारी मिली है, फिर देखेंगे मंडे को। तो जो एक सफारी मिली है तो वो आज ही है। तो चल रहे हैं रूम पे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होके निकलेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद जंगल में चलेंगे। मस्त यार, कितना अच्छा लगता है ना। और पता है गर्मी तो बहुत तेज़ है, पर इतने पेड़ पौधे हैं फिर भी बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा। तो चलो मिलते हैं तैयार होके। ये देखो बच्चे और वो आगे। चलो आपसे मिलेंगे नहा धो के। वो देखना कहाँ से आ रही है, उल्टा रास्ता चूज करके आ रही है। वहाँ से आएगी। आओ। अच्छा वो पूरा चक्कर लगा के आ रही है, हो रही पूरा चक्कर लगा के आएगी, देखना। हो रही दूर दिखी, हो रही वो देखो पूरा चक्कर लगा के आएगी। ये सारे टेंट से आ जाओ, आ जाओ वहीं से आ जाओ। 12 टेंट्स हैं, बाकी रूम्स हैं। पर होटल स्टाफ का ऐसा कहना है कि खाना अगर आप आए हो तो रूम्स से अच्छे फैसिलिटीज़ जो है वो टेंट की है। वाकई में बहुत अच्छा रूम, मतलब टेंट है, जो रूम है उसका बहुत ही प्यारा है। प्यारा तो है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। लॉक हो गया, बढ़िया, गुड। तो गाइज हम चल दिए हैं सफारी के लिए, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, मतलब नाश्ता क्या लंच करेंगे एंड देन सफारी। तो आज हमारी कैंटर बुक हुई, बड़ी मुश्किल से, क्या कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ, ऑलरेडी प्री बुक था सब कुछ, दो दो महीने पहले से बुकिंग चल रही थी यहाँ। तो पापा, बेटा अभी गाली मत करना ना, जो वो आ गए ना ये भी, ये दोनों सब चला, ठीक है। तो ये देखिए रेडी होके, ये पता नहीं सफारी करने जा रही है कि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रही है, पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये सफारी की ड्रेसेस हैं या ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ड्रेस है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रही है। चलो तो मेरा चश्मा कहाँ है, तुम्हारा चश्मा मुझे क्या पता, गाड़ी में होगा। दोस्तों पतियों को तो हमेशा यही लगता है कि बीवियां पता नहीं कितना तैयार हो रही हैं, खुद को तो क्या है मुंह उठा के कुछ नहीं है, टी शर्ट पहनी जीन्स पहनी और हो गया यार। कभी कभी तो तैयार होने के मौके मिलते हैं, तो क्यों ना तैयार हो, है ना। कितने लोग मेरी बात से सहमत है कॉमेंट करें, जल्दी आओ। तो हम जा रहे हैं सफारी के लिए, चलते हैं सफारी पे। फिलहाल थोड़ा सा कुछ करेंगे नाश्ता, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे जंगल। जाओ दौड़ लगा के आओ, फिर पापा यहीं छोड़ जाएंगे, नहीं तो रो ना क्यों आ रहा है, रो नहीं।
देखो गुई कितनी अच्छी बच्ची, बिना रोए आती है। चलो 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 आगे चलो चलो, वो गाड़ी खड़ी, अपनी बैठो गाड़ी में। तो गाइस हम निकल दिए सेंचुरी जाने के लिए, क्या बोलते हैं, सफारी जाने के लिए, सॉरी, और जंगल के बीच में जा रहे हैं। अब आगे की जो कहानी है वो आपको टिनी सुनाएगी। मैं थोड़ा सा ड्राइव पे फोकस कर रहा हूँ, एक्चुअली जंगल एरिया है तो एनिमल्स कहीं से भी आ सकते हैं। ओवर टू टिनी। मैं कहानी क्या सुनाऊ, बस जल्दी जल्दी खाना खाया, देर हो रहा है, वो हमारा वेट कर रहा है। हिरन दिखाओ, हिरन दिखाओ, हिरन दिखाओ, बहुत सारे हिरन, हिरन हिरन बहुत सारे। देखो हिरन, देखो हिरन, हिरन तो यहाँ आते हैं ना। बस जंगल की तरफ ही जा रहे हैं, पूरा जंगल एरिया है, बड़ी मुश्किल से मिली है, मैंने बताई दी आपको। चलते हैं आगे, जंगल देखते हैं, मिलते हैं आपसे जंगल के अंदर ही। सुबह अगर जहाँ दिखा तो दोपहर में भी क्या है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। अच्छा, वही रहेगा वो, और ये क्या है, टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं। आपको कुछ देर रुकते हैं, कुछ अलार्म कॉल सुनाई दे, क्या होता है कि जैसा अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो उनको देख के जो डियर है, लंगूर है, आवाज करते हैं, तो अपन आवाज की मात्र। इसको जवानी करते का सब क्लाइमेट उसको शूट नहीं हुआ तो वो लगभग 30-40 दिन के अंदर फिर वापस आ गया, फिर यहाँ देखा गया उसको 30-40 दिन बाद। तो ऐसा टाइगर कॉरिडोर इनका लगा हुआ है, ऐसा सर्च किया गया है, और यहाँ से इधर छत्तीसगढ़ जो है ना वहाँ चले जाते हैं, बारनाव पार, वहाँ से भी उनको क्लाइमेट शूट नहीं होता, वापस आ जाते हैं। टाइगर पूरी तरह से फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं। बांधवगढ़ से नहीं, फिर उधर से ऐसा सेटिंग है ना, ये पार से काफी दूर है बांधवगढ़, पेच पास में, उधर से पास में अगले वाला पार, वहां से कनेक्ट है वो। जंगल कभी खत्म नहीं होता, इनका कॉरिडोर टेढ़ा मेढ़ा ऐसा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। यहाँ से जबलपुर जुड़ा हुआ है, जबलपुर से पास है 100 किलोमीटर दूर है बांधवगढ़, ऐसा कनेक्टिंग होता रहता है। एमपी में ऐसे जंगल बहुत ज्यादा है ना, हर जगह, सबसे ज्यादा एमपी में नेशनल पार्क है, सभी स्टेट से सबसे ज्यादा यहीं पे है। हर साल यहाँ पे टाइगर अवार्ड लेता है एमपी, ठीक है ना। दिखते नहीं है, दिखते नहीं है, लेकिन छुपे रहते हैं। एरिया इसका, इसका जो एरिया है ना काफी बड़ा है, आप लोग इंडिया का साइड है ना, इसके लिए तो पहले साहब जला के रखते हैं। 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, आप ध्यान होगा, वहाँ ऐसे फायर लाइन मैनेज नहीं करते, वहाँ अमेजोन में, हाँ अमेजोन, तो वहाँ पे आग बुझाते बुझाते कई महीनों लग गए वहाँ। कोई पत्ती नहीं है ना इसके ऊपर, कोई डियर वगैरह नहीं चला, मतलब ये पेपर में गए हैं टाइगर यहाँ से। तो ये रहा मार्क यार, बड़े बड़े पंजे आपको दिख रहे थे ऐसे, हाथ क्यों, तेरे दादा पापा के दांत, आपको नहीं जाना ना। क्यों ना, मां भी तो नहीं डालिए, आप दादा, आपको जाना है, आप दादा पापा के दांत जाना, पापा के दांत किसने तोड़ा है, क्यों दिया? पापा यू कैन फाइंड
गौर से देखिए दिख जाएगा। ग्रुप में एक ही मेल होता है, हमारा मेल है पूरे ग्रुप। सतीश जी के पास नहीं है, यही है। कहीं आ रही हूँ कैसा लगा? बढ़िया लगा, जंगल घूमना तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, पर टाइगर नहीं मिला। खैर कोई टाइम भी नहीं है टाइगर का, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग के सीजन तो हो गया था लेकिन बारिश हो गई तो उस कारण थोड़ा सा क्या होता है पानी पीने आता है ना शेर बाहर। गर्मियां तो वैसे भी है, जानवरों को गर्मियां ज़्यादा लगती हैं, तो अब जगह जगह पानी भर गया अंदर ही जंगल में, तो उनको बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं, उनको पानी अंदर ही मिल जाता है। खाना तो वैसे ही वो अपने इकट्ठा करके रखता है, तो टाइगर तो नहीं मिला, होप फॉर नेक्स्ट टाइम। लेकिन फिर भी जंगल घूमने में हमेशा मजा आता है, इस बार भी आया। सिंगल नंबर एट, सिंगल नंबर एट। Yes, start. Racket nahi khelna. ये हमने मंगाया है तंदूरी स्टफ्ड आलू, तो अभी हम ये खाएंगे। और मस्त पैकेजिंग है देखो, बॉक्स में मसाला अनियन एंड ग्रीन मिंट चटनी। तो गाइस भूख इतनी जोर से लगी थी कि खाना रिकॉर्ड अप नहीं कर पाए, तो हम इस ब्लॉग को ऐड करते हैं, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। आज का दिन तो सफारी पर हुई थी, रिजॉर्ट में नहीं निकाल पाए, लेकिन कल का पूरा दिन रिजॉर्ट में बिताएंगे, फोटोशूट करेंगे, गेम्स खेलेंगे, पूरा रिजॉर्ट विजिट करेंगे। कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो ब्लॉग को, अच्छा लगे तो। मिलते हैं आपसे कल, गुड नाइट। मेरी राइफल शूटिंग भी बाकी है। हाँ हाँ हाँ, कल वो भी करेंगे, कल सब कुछ करेंगे रिजॉर्ट में।